वाटर डांस में ये है कि पहला चैलेंज तो ये है कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी डांस कर रहे हो, उसको आपको सांस रोक के करना है। शुरू शुरू में ये हो रहा था कि मैं अंदर ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता था, तो वो एक साल लगा मुझे यहाँ तक पहुँचने में कि मैं अंदर डांस कर पाऊँ। अभी मैं 10 फीट डीप में डांस करता हूँ, तो वो एक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे पानी में, क्योंकि मैं सारी चीज़ें मेरी बॉटम पे होती है। और मेन चीज़ है बैलेंसिंग, क्योंकि पानी में जब हम डांस कर रहे होते हैं तो पानी का जो भी फ्लो हो तो वो हमें या तो ऊपर धकेलता है या साइड में लेके जाता है, तो वो स्टेबल रह के हमें वो डांस मूव्स करने हैं। मेरा जन्म राजकोट में ही हुआ है, मैं राजकोट में ही बड़ा हुआ हूँ। मेरे मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे फादर हैं, उनका रेफ्रिजरेशन का बिजनेस है, और मैंने एक अलग लाइन चूज़ की है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने आत्मीय इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपना ख़त्म किया है। पानी से अगर बोले तो वैसे तो बचपन से ही मैं पानी से बहुत अट्रैक्ट होता था बचपन से ही, क्योंकि जब मैं 5-6 साल का था तभी ना हम लोग कहीं भी बाहर घूमने जाते थे ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसा दिखे कि नदी या ऐसा कुछ दिखे तो पापा हमको वहाँ लेके जाते थे और बोलते थे कि चलो यहाँ नहाते हैं। तो वो टाइम से ही मुझे पानी के साथ बहुत ज़्यादा ही लगाव हो गया था, और वहाँ से एक जो मेरा डर होता है लोगों का कि पानी से उनको डर लगता है, वो डर वहाँ से निकल गया था। मैं 4 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 6 महीने पहले ही एक वीडियो शूट किया था जिसमें मैं 4 मिनट तक पानी के अंदर रहता हूँ। उससे पहले 1 साल पहले मैं 3 मिनट तक रहता था, उससे पहले 2 मिनट, तो धीरे धीरे 10 सालों में यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं 4 मिनट तक। और मेरा एक गोल है कि मैं 10 मिनट तक अपनी सांस रोकूं। मूनवॉक भी बहुत चैलेंजिंग है वैसे, क्योंकि जो बाहर हम मूनवॉक करते हैं उसमें ना हम लोग इजीली पीछे जा सकते हैं मूनवॉक करते करते, बट पानी के अंदर पानी हमको रेजिस्ट करता है, तो वो इतनी स्पीड से हम पीछे आ नहीं सकते। तो उसके लिए हाथ की मूवमेंट और पैरों की मूवमेंट, मैं बॉटम पे मूनवॉक करता हूँ, फिर इनविजिबल स्टेज पे करता हूँ जहाँ पे कुछ होता नहीं, बट उस लोगों को ऐसा लगे कि यहाँ कोई प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे वो मूनवॉक कर रहा है। फिर मैं उल्टा मूनवॉक करता हूँ सरफेस के ऊपर, तो सारी डायरेक्शन में मूनवॉक करता हूँ। एक बार मैं टीवी में आया और उसके बाद धीरे धीरे लोग भूलने लगे कि कोई ऐसा लड़का था जो पानी के अंदर डांस कर रहा था। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया में मैंने अपना अपडेट देना शुरू किया, उसके अंदर अलग अलग यूनिक वीडियोस मैंने अपलोड करने शुरू किए, तो वहाँ से मेरा नाम हाइड्रोमैन मैंने रखा, क्योंकि जब मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में था तो मेरा नाम था जयदीप, और उसके बाद मैंने हाइड्रोमैन अपने से ये नाम क्रिएट किया, और वहाँ से मेरा हाइड्रोमैन नाम आज फेमस है। जो भी मुझे, मैं बॉडी के लिए जो भी करता हूँ आज, वो फिटनेस के लिए मुझे सिर्फ स्प्राउट्स खाता हूँ मैं सुबह, और बाकी वैसे अगर बात करें तो मेरा गॉड गिफ्टेड है पूरा, कि मेरे जो हाथ है वो मेरी बॉडी की साइज से ज़्यादा लंबे हैं, और मेरे जो जॉइंट्स है वो भी एकदम फ्लेक्सिबल, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये टच हो जाएगा। तो ये पहले से ही गॉड गिफ्ट है कि मैं जो ये कर पा रहा हूँ वो पहले से ही डिसाइड हुआ होगा कि ये करेगा। जो भी लोग मुझे बोलते हैं कि तू ये क्या करने वाला है, वो आज देख के मुझे ये बोलते हैं कि यार तू कैसे कर रहा है ये, पहले वो ये पूछते थे कि तू क्यों कर रहा है, आज ये बोलते हैं कि कैसे कर रहा है तू। मैंने ये चीज़ सोची हुई है कि मेरे जैसा कोई कभी भी आ सकता है, बट पानी के अंदर जो डांस मूव्स मैं कर रहा हूँ वो उसमें ना बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राधर देन कि वो इतना एनर्जेटिक हो। तो मुझे
उस पे भरोसा है कि जो मेरा बैलेंसिंग है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई और कर पाएगा।